मोहम्मद अदीब साहब है आपके पास आऊंगा, और मैं सबसे आखिरी में इसलिए आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, आप यूपी की पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं, यूपी से ताल्लुक रखते हैं, और यूपी में इस बार का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सर, और आप बहुत कायदे से बहुत करीने से इन सब चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सर आपको क्या लगता है, बीजेपी, एसपी, बीएसपी या फिर कांग्रेस, इन सब के अगर गेम प्लान को देखें तो आपको क्या समझ में आता है? क्या कास्टिसिज्म ही इस बार होगा, क्या कम्युनलिज्म ही इस बार होगा, या जैसा कि सभी पार्टियों के नुमाइंदों ने यहां कहा, रिप्रेजेंटेटिव्स ने, कि नहीं हम विकास की, डेवलपमेंट की और अपनी पॉजिटिव पॉलिटिक्स लेकर जाएंगे, इस पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या लगता है सर आपको? गौरव जी, बहुत बहुत ही खराब सिचुएशन उत्तर प्रदेश की मुझको लगती है, और जो अभी कहा गया वो मेरा यकीन है कि बीजेपी जो है उसका मकसद ये है कि हम पावर कैसे लें, उसके लिए वहाँ सब कुछ होगा। यानी अभी देखिए राज्यसभा के इलेक्शन में भी एक उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग हो। अब वो उनका जो मेन प्लान होता है कि जो उनका अपना वोट है 25-30% वो कंसोलिडेट करेंगे, और जो सेकुलर वोट है उसको डिवाइड करेंगे, वो माहौल को खराब करेंगे। मुश्किल कांग्रेस के साथ ये, मेरी बहन ने भी कहा, लेकिन कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी की तरफ वे लोग नहीं जा रहे हैं, इसको बना दो उसको बना दो, जबकि बीजेपी के साथ जो उनका संगठन है आरएसएस, वो आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ता है, और उसकी आइडियोलॉजी यह है कि भाई हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये उनकी आइडियोलॉजी अच्छी या बुरी, हमको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन उनका क्लियर कॉन्सेप्ट है। लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी में जो सबसे पिलर था जवाहरलाल नेहरू और गांधी, उसकी बदनामी, उसकी बेइज्जती रोज बीजेपी कर रही है और कांग्रेस खामोश बैठी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को सर, उसी आइडियोलॉजी पर सवाल उठ गया सर, बचाना चाहिए 10 साल में समाजवादी पार्टी को, समाजवादी एक गौरव जी एक चीज मैं आपसे कह दूं, समाजवादी पार्टी अब वो बिरादरी की पार्टी होके रह गई, उसने कोई काम किया नहीं। लेकिन अगर आप पूरा यूपी का स्ट्रक्चर देखें, नारायण दत्त तिवारी जी के बाद से जो यूपी की व्यवस्था थी वो आज तक संभाल कोई नहीं पाया। तिवारी जी आखिरी चीफ मिनिस्टर थे जिनके बारे में हम कह सकते थे कि यूपी को वो आगे लेके जा रहे थे। अभी हमारी अफसोस नहीं, लेकिन है सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है फैसला सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, हमने कुछ और राज्यों में देखा और यूपी में भी देखा कि पिछले दो चुनावों को देख ले तो यूपी की जनता जिसको वोट देती है ना, वो बहुत भारी बहुमत से वोट देती है। 5 साल पहले बीएसपी की भारी बहुमत के साथ वोट, देखिए यूपी की जनता की आई। गौरव जी, तो क्या यूपी की इस बार जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है, क्या इस बार भी आपको लगता है कि ऐसे ही कुछ होगा? और कांग्रेस जैसा कि आप भी कह रहे हैं, बीजेपी को इतना टारगेट नहीं मिलेगा। अभी 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 बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी का जो एक बड़ा सपोर्ट बैंक था वो ब्राह्मण और अपर कास्ट था, वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है। 14 के इलेक्शन में मोदी साहब ने अपने को बैकवर्ड कह के बैकवर्ड कार्ड खेल लिया, नौजवान बच्चे उनके जोश में आ गए, लेकिन अब ये है कि अब वो दलित के घर खाना खाने चले गए। अरे क्या दलित उनके उनके साथ जाएगा? उनके प्रेम शुक्ला बहुत गंभीर आरोप है, जवाब दीजिए, या तो मायावती प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला बहुत गंभीर आरोप है, जवाब दीजिए। और जो जो उनका जो और जो अपर कास्ट वोट है वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है, जवाब दीजिए। पहले तो गौरव जी, अदीब जी को बड़ा, अदीब जी को बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी कहा, ये वही अदीब जी हैं जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए एक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका वीजा ना दे इसके लिए पत्र लिखा था, और ये मुंह के बल गिरे हैं कि आज अमेरिका की संसद में उन्हीं मोदी जी को संबोधित करने के लिए निमंत्रित किया जा रहा है। तो एक ऐसे विकृत सांप्रदायिक व्यक्ति यदि सांप्रदायिकता पर भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि यजीद जो है वो हसन हुसैन की जो कुर्बानी है उस पर जो है स्यापा कर रहा है। तो पहले तो इनको ये, दूसरी बात इन्होंने कहा कि ब्राह्मण ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी जातियों में भरोसा नहीं करती है। ये मोहम्मद अदीब जैसे लोग सेकुलरवाद के नाम पर उत्तर प्रदेश में जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष फैलाते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक और जाति विद्वेष की राजनीति नहीं करती। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, इनकी आदरणीय
सोनिया गांधी और राहुल गांधी सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों से मिलने गए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस क्षेत्र में जाने तक से रोका गया, तो आप समझ सकते हैं कि सांप्रदायिकता का जहर कौन बोता है। और अभी आपको याद होगा दादरी वाले प्रकरण में ऐसी स्थिति हुई कि पूरी गलती किसकी थी, तो स्टेट मशीनरी की थी, लेकिन आरोप असहिष्णुता का किस पे लगाया गया, केंद्र सरकार पे लगाया गया। तो ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं वो स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जनता अब ध्रुवीकरण में भरोसा नहीं रखती, जातियों में नहीं बंटती, धर्म पर नहीं बंट रही है। यहां तक कि जवाब दीजिए, सीएसडी की रिपोर्ट भी बताती है कि 2014 के चुनाव में 10% मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, यानी इनका जो धार्मिक ध्रुवीकरण था उसको नकार दिया, ठुकरा दिया। मोहम्मद अदीब जवाब दीजिए, और साथ ही जो मुद्दा यहाँ पर प्रेम शुक्ला ने दादरी वाला उठाया है, जो ताजा ये बोलने में बीजेपी के प्रेम शुक्ला हुई है। मोहम्मद अदीब, दादरी वाला मामला भी कह रहे हैं, उस पर उसको लेकर भी आपका सवाल उठा रहे हैं। शुक्ला जी बोलिए, मेरी सुन लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को मैं मानता हूँ कि इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला हिंदुस्तान की जमीन में कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं आया। जो मर्जी हो झूठ बोलो, जो चाहो करो। अभी दादरी का जिक्र किया इन्होंने, दादरी का जिक्र किया, ये कहा मुजफ्फरनगर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसी एक ने गए थे, मुझे तो नहीं मालूम कि वो गए थे। हाँ, आपके लोग वहां जरूर पंचायत करने कहे गए और दंगा खोलने गए थे, और आपके वो लोग जिनके ऊपर एफआईआर है वो मंत्री बने हुए हैं। आपके वो लोग कहते हैं कि साहब आपके घर में मीट रखा था या मांस रखा था, इसलिए दीजिए साहब। अरे आपको तमीज तो है नहीं, आप किसी को भूलने नहीं देते। अरे आप बोले, मैंने सुन लिया आपकी बात, आप बोले। प्रेम शुक्ला प्रेम शुक्ला ठीक है, एक ही करके बात करते हैं। प्रेम शुक्ला, उनको अपनी बात करने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, उनको अपनी बात करने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आप अपनी बात कहिएगा। मोहम्मद अदीब, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी भाई। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बोलिए, हमने सुन लिया, हमारी सुन ले। अभी आपने दादरी की बात करी, अरे भाई दादरी में अगर उसका मास्क भी नहीं करने देंगे या वो किसी लेबोरेटरी का आया, ये तो क्या सऊदी अरबिया है, सुल्तान का राज है? अरे सर, सऊदी अरबिया नहीं, लेकिन एक-एक करके बात करेंगे तो लीवर के लिए सऊदी अरबिया नहीं बनेगा ना। लेकिन इस मुल्क में कानून है, अदालत है, आप किसी को मार दें और फिर कहें कि अच्छा, अब सवाल इसका है। देखिए, सवाल इसका है कि ये जिस तरीके से ये फैला रहे हैं फिजा को, इनके 2-3 साल और रह गए। इन्होंने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि करकरे शहीद जो था वो भी बेईमान था और जो साध्वी थी वो मिस्कीन थी। ये सब बातें उत्तर प्रदेश में लाएंगे, ये उत्तर प्रदेश में लाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश वही जवाब देगा जो बिहार ने इनको दिया है। गौरव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अदीब नाम के व्यक्ति को दुष्प्रचार किस व्यक्ति ने कहा? हेमंत करकरे जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता का बयान है? मैं चुनौती देता हूं, यदि आप में हिम्मत है, कुरान शरीफ पर हाथ रख के उस नेता का नाम बताएं। मोहम्मद जवाब दीजिए, फिर मरीता जी के पास जाऊंगा जल्दी। मैं बताती हूं, मैं आपको बताऊं, मैं जवाब देना चाहूंगी इस बात का। करकरे के बयान में आज से 4 दिन पहले रिबोरो का आर्टिकल छपा इंडियन एक्सप्रेस में, पढ़ लीजिए। रिबोरो ने एक आर्टिकल लिखा कि एक रात पहले करकरे मेरे पास आए थे। रीता बहुड़ा जोशी बता रही है, किसने जवाब दिया? आपने बयान दिया है और शिवसेना के लोगों ने बयान दिया। सर, ऐसे बात करेंगे तो टॉपिक से भटक जाएंगे। प्रेम शुक्ला ऐसे बात करेंगे तो टॉपिक से भटक जाएंगे। मोहम्मद अदीब से आपने सवाल पूछा, उनका जवाब देने दीजिए। आप इनको कुछ भी आरोप लगाने दे रहे हैं? नहीं, कैसे आरोप लगाएंगे? सर, आप भी अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात भी पूरी होने दीजिए ना। उनका जवाब तो देने दीजिए। प्रेम शुक्ला, उन्होंने सवाल पूछा, उनको बोलने तो दीजिए। आपने सवाल पूछा। मोहम्मद अदीब जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला का। मोहम्मद अदीब जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं देखिए मुद्दे पर आएंगे जल्दी से। ऐसा है कि डिबेट को डिबेट की तरह रखिए। हर अखबारात ने, हर टेलीविजन ने, मैंने पार्लियामेंट की फ्लोर पे ये बात कही थी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे कही थी कि ये बयान जो इन्होंने दिया है, इसको पढ़ने में नाम बताएं।
यहाँ वहाँ भटकाए नहीं, भाजपा नेता का नाम बताएं। चलिए ठीक है, आप जो चुनौती दे रहे हैं अदीब, मोहम्मद अदीब, आप इस बात को आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा, नहीं करेंगे तो आप बोल दीजिए, आप नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, मुझे जो हमारा आज का टॉपिक है उसी पे बात करनी है। रीता बहुगुणा जोशी मैं आपके पास आऊंगा, रीता बहुगुणा जोशी मैं आपके पास आऊंगा, और सवाल सुन लीजिए मेरा। रीता बहुगुणा जोशी, सवाल मेरा यह है कि हम अगर राहुल गांधी, जिनको आप कह रहे हैं कि उनको अध्यक्ष बना देना चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें रीता जी, तो 2007 और 2012 के यूपी चुनाव में राहुल गांधी ने जमकर प्रचार किया, 2014 में भी प्रचार किया, 2012 का नतीजा देखें अगर, तो 403 में से 28 सीटें आपको मिली थी विधानसभा की, 10% भी नहीं आप ले पाए, और अगर रैलियों की संख्या निकालें तो ताबड़तोड़ रैलियां हैं। 2014 में मैंने आपको पहले कहा था कि दो गांधी परिवार की सीटें छोड़कर कुछ नहीं मिला आपको, तो आप बिना पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर आएंगे तो यूपी में आपका सितारा एकदम चमक जाएगा, आप बिल्कुल रिवाइव हो जाएंगे, जमीन आपके पास आपकी वापस आ जाएगी, जो 89 के बाद दिख नहीं रहा यूपी में। आपके विचारों के लिए धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी बात बोल दी अंत में, पर प्रेम शुक्ला जी को प्लीज कह दीजिए एक मिनट थोड़ा शांत हो जाएंगे, और या वन टू वन डिबेट आपके साथ। नहीं, वो नहीं कह रहे कुछ, वो अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन आप अपनी बात बोलिए। प्रेम शुक्ला सुन रहे हैं, 10 सेकंड, आप मुझे 10 सेकंड। देखिए, जिस समय आपने कह दिया कि एसआईटी की रिपोर्ट गलत थी और करकरे उसको लीड कर रहे थे, उसी वक्त आपने आप दूसरे सवाल पर जा रही हैं, किसी दबाव आप दूसरे मुद्दे पर जा रही हैं, स्वाभाविक है उस पर प्रश्न चल लग गया, इस इशू को बंद कर इसका जवाब सुन लीजिए, आप दूसरे इशू पे आ जाइए। प्रेम शुक्ला जी आपका नाम तो प्रेम शुक्ला है, आपका नाम प्रेम शुक्ला, लेकिन हम हमेशा गुस्से में रहते हैं। अरे डिबेट करिए ना, कांग्रेस के दूसरे नेता भी आपको कहते हैं, आप जवाब दीजिए, जब आपको नंबर आए आप बोलिएगा, आपका जब नंबर आए तब आप बोलिए। रीता जी आप जवाब दीजिए। देखिए, सीधी सी बात है कि राहुल गांधी, हम लोग सन 1989 से सत्ता के बाहर हैं, पूरे 27-28 वर्ष हो गए हैं, इन 28 वर्षों में जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति ने कहीं क्षेत्रीय पार्टियों में और कहीं जो सांप्रदायिक खेल खेलते उन पार्टियों में लोग चले गए। अब लोगों ने सब कोशिश कर ली, उन्होंने प्रयास कर लिया है कि हम बसपा को 3-4 बार ले आए, भाजपा को ले आए, सपा को ले आए। इस समय यूपी का जो हमारा वोटर है बहुत परेशान है, वो जानते हैं कि 2014 में नहीं परेशान था क्या कांग्रेस का, आपको विरोध कहीं नहीं। रीता जी, 2014 में या 2012 में नहीं परेशान था क्या आपका वोट शेयर कहाँ है? मैम 2014 में परेशान नहीं था रीता जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। जाति और दे तो रही हूँ, नहीं दे रही, देखिए जाति और सांप्रदायिक हमको यहाँ की जो माहौल है राजनीतिक उससे लड़ना है, और राहुल गांधी जी 2004 से लगातार। रीता जी मैंने आपके सामने डेटा रखा था, फैक्ट के साथ मैं आपके पास आया था, फैक्ट पर बात नहीं कर रहे हैं। रीता जी आप प्रोफेसर आ चुके हैं डेटा से मत चलिए। मैम सुनिए रीता जी कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है। रीता जी सिद्धांत जनता को नहीं समझ में आ रहा है, राजनीति करते हैं हम बीजेपी बीएसपी और एसपी के तरह, सिद्धांत जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, में लोगों को नहीं बांटते। नहीं, जब जनता को विश्वास होगा कि कांग्रेस में जब लोगों को जनता को विश्वास होगा, ठीक है, मतलब आप ये मानती कि अभी फिलहाल विश्वास नहीं है। पंकुड़ी पाठक मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है रीता जी, बहुत ठीक है रीता जी मैं ठीक क्यों नहीं है, पूरा कोशिश हो रही है। सीटें नंबर्स बता रहे मैम, नंबर बोल रहे हैं वो चीज।